वो जब भी केजरीवाल जी जाते हैं वापस ना, तो अखबार में आता तो मुझे पता है यार कुछ तो है, एक कोर्स ऐसा जो होता है यहाँ पे, केजरीवाल जी कर रहे हैं तो कुछ तो मुझे अच्छा ही होता एक होगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री कर सकता है तो मैं भी कर रहा था, कुछ तो आपका ही होगा। शार्क टैंक पे आने के बाद जो आप इंडिया में वर्ल्ड फेमस हुए हो, कैसा लग रहा है? नितिन, दिव्या, आपका स्वागत है शार्क टैंक सीजन 3 में। सहजता आ गई है लाइफ के अंदर। शार्क टैंक का जो एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, एंड देन बिजनेस पे क्या असर पड़ा उसका? उन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी, सब कुछ कर रखा था, बट द एपिसोड वेंट लाइव, वेबसाइट वगैरह सब क्रैश हो गई सारी। इंडिया के अंदर ये माइंडसेट ही है कि कहते हैं ना, वो राम से बड़ा राम का नाम। ई कॉमर्स में स्पेशली मैंने बहुत देखा है, कॉपी बहुत होता है, हाउ डू यू प्रोटेक्ट इट? एक कस्टमर को मार्केट प्लेस से वेबसाइट पे लाने का क्या गुरु मंत्र है बता? आज अगर आदमी अमेजोन पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है? वेराइटी, कंपेरिजन। आपके लिए गिफ्ट देना आसान हुआ या मुश्किल हुआ? नमस्कार, और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड काफी स्पेशल है। नाउ आई नो, हर पॉडकास्टर हर एपिसोड से पहले यही कहता है, इनफैक्ट मैंने भी कहा है, बट ऑनेस्टली आज का एपिसोड सही में स्पेशल है। आज के हमारे इस एपिसोड के गेस्ट हैं नितिन जैन। नितिन फाउंडर हैं इंडी गिफ्ट्स के। आप लोगों ने नितिन और इंडी गिफ्ट्स को शार्क टैंक सीजन 3 में देखा था। मुझे आज तक किसी ने भी एक सिंगल कॉन्वर्जेशन में इतना इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस नहीं किया है जितना मुझे नितिन ने इस एक कॉन्वर्जेशन में किया, एंड आई एम सो थैंकफुल टू नितिन फॉर दैट। नितिन इज प्रोबेबली द मोस्ट काम एंड इक्वानिमस पर्सनैलिटी दैट आई नो, एंड यू विल फील इट व्हेन यू लिसन टू द पॉडकास्ट। जस्ट टू टेल यू, जब हमने ये एपिसोड रिकॉर्ड किया था और आज जब मैं ये इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बीच में मैं एक 10 दिन का विपसना का मेडिटेशन कोर्स करके आ चुका हूँ, और वो हुआ सिर्फ और सिर्फ मेरे और नितिन के इस एक कॉन्वर्जेशन की वजह से, विच वॉज दिस पॉडकास्ट। नितिन क्योंकि एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, सो आई एक्सपेक्टेड दिस पॉडकास्ट टू बी अबाउट स्टार्टअप्स, स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वो सब डिस्कस किया हमने, बट देन समहाउ कॉन्वर्जेशन मूव टूवर्ड्स मेडिटेशन, विपसना एंड अदर थिंग्स, एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट डिड। तो आपसे मैं बस यही कहूँगा, एन्जॉय द कॉन्वर्जेशन। हाय नितिन, थैंक यू, और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स पे। तो अभी शार्क टैंक पे आने के बाद जो आप इंडिया में वर्ल्ड फेमस हुए हो, कैसा लग रहा है? थैंक यू शमशेर। मुझे लगता है कि वी आर फॉर्चुनेट दैट अमंग सो मैनी पीपल हु वर डिजर्विंग, वी वर फॉर्चुनेट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द सपोर्ट ऑफ आवर टीम that we were able to speak on national television and share our journey with the world. जहाँ तक बात है कि उससे जो एक recognition मिला है, fame मिला है, वो सर पे तो नहीं चढ़ रहा है, तो सहजता आ गई है life के अंदर। One of the thing में से एक चीज़ है, almost अब एक साल होने को आ जाएगा, हमारा last September में shoot हुआ था और March में वो video आया था। दौर है वो दौर के अंदर जितना सहजता आ जाएगी उतना ही अच्छा है, उस दौर को जिए और अच्छे से जिए। बट इन द एंड आपके हाथ में केवल है कि आप क्या कमिटेड हैं जिस चीज़ के साथ में, जिस कन्विक्शन के साथ में आप बात करते हैं, अगर उसी में फ़र्क आने लग जाएगा तो जो भी उसके ऊपर एक प्रोपोगंडा होता है, नेम फेम का एक बबल बनता है, वो सूनर और लेटर फट ही जाएगा। बट अगर आप यथाभूत लेवल के ऊपर एज इट इज़ जो मैं फील करता हूँ, जिस कन्विक्शन से रोज़ सुबह मैं आता हूँ ऑफिस, अगर वो कन्विक्शन ख़त्म हो गया तो वो सक्सेस वहीं ख़त्म हो गई है। मेरे लिए सक्सेस शार्क टैंक के अंदर उस एपिसोड में आना नहीं है, मेरे लिए सक्सेस उस कन्विक्शन के साथ में, जिस कन्विक्शन के साथ में मैं रोज़ सुबह उठकर अपने ऑफिस आता हूँ, वो है। जिस दिन वो कन्विक्शन ख़त्म हो जाएगा, मेरे लिए मेरी सक्सेस वहीं ख़त्म हो जाएगी। ओके, आपने बात की कन्विक्शन की, मुझे लगता है कन्विक्शन आता है व्हेन यू आर लाइक पर्पस ड्रिवन, ना एक आपका एक ध्येय है जिसके पीछे आप लगे हुए हो। बिल्कुल। तो क्या तो है आपका पर्पस? और मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि काफ़ी बार आप अपने पर्पस से डेविएट हो जाते हो, जैसे वक्त गुजरता है ना, जो वीयर एंड टीयर ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं। तो एक पर्पस ड्रिवन रहना, मेंटेन करना उस चीज़ को, सस्टेन करना उस चीज़ को, वो कैसे किया? बिकॉज आपको आई एम श्योर 9-10 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो उस पर्पस को सस्टेन कैसे कर पा रहे हैं? इसका आंसर थोड़ा लंबा दूंगा मैं, क्योंकि आपने पर्पस ये है, वाले टाइम है।
आपने पर्पस पे बात की है, तो पर्पस को दो शब्दों में समझाना मुश्किल है। मैं 2008 से काम कर रहा हूँ और 2008 से 2024 हो गया है। इस पूरे दौर के अंदर जो चीज़ मैं समझ पाया हूँ, जिसको हम पहले भी देखते थे समझ नहीं पाते थे, जानना और मानना, देखना और समझना, राइट? तो ये जो फ़र्क है इन दो शब्दों के बीच का, मतलब हम जिस भी चीज़ को देख रहे हैं, क्या एक्चुअली हम उसको देख रहे हैं? या जो भी मैं बोलता हूँ कि मुझे पता है, क्या हमें एक्चुअल में वो पता है? तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो आपके कुछ व्यक्तिगत पार्ट हो, चाहे आपके सामाजिक पार्ट हो, चाहे वो आपके कुछ व्यावसायिक पार्ट हो, इन सब चीज़ों को जो चीज़ जोड़ती है वो पर्पस है। तो अभी रिसेंटली मैं पीयूष मिश्रा की किताब भी पढ़ रहा था, तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी औकात क्या, नाम सुना है मैंने, पढ़ी नहीं मैंने भी, पढ़ा। मुझे लगता है दौर से दौर की बात है। पीयूष मिश्रा तो अपने आप में एक स्कूल बन गए हैं आज, और जो उस स्कूल से अगर कुछ सीखना चाहते हैं या पीयूष मिश्रा को देख के एस्पिरेशन फील करते हैं, तो ये किताब उन्हें पीयूष मिश्रा की यथाभूत जर्नी के बारे में बताएगी। ओके। कुछ उसको इस तरीके से नहीं लिखा गया है कि वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाए, एज इट इज। तो पीयूष मिश्रा ने अपना पहला किसी के साथ किस किया, जो उनसे 10 साल बड़ी उनकी स्कूल टीचर थी, उन्होंने उसके बारे में लिखा है। एक लाश के साथ वो रात भर सो गए, उन्हें पता ही नहीं पड़ा कि वो मृत शरीर है जिसके साथ वो सो रहे हैं, वो उनको पता नहीं था। उससे उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, कैसे उन्होंने अपना नाम बनाया, कैसे उन्होंने सब कुछ गवाया और कैसे उसको फिर से बनाया। तो पीयूष मिश्रा की और पर्पस की बात केवल इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में भी एक चीज़ के बारे में जिक्र किया था, और उसी चीज़ के बारे में मैं भी जिक्र करूँगा, क्योंकि जिस चीज़ ने उनको पर्पस ड्रिवन बनाया, मुझे भी उसी चीज़ ने पर्पस ड्रिवन बनाया है। तो वो चीज़ है विपश्यना। विपश्यना को वैसे तो इन जनरली लोग केवल एक मेडिटेशन टेक्निक के फॉर्म में देखते हैं, और विपश्यना का बहुत ही साधारण भाषा में अर्थ है विपश्यना, यानी न्यूट्रल भाव के साथ में, इक्वानमस भाव के साथ में, एज इट इज़ भाव के साथ में, अपनी सांस के माध्यम से चीज़ों को देखना और समझना। ओके। आप देखेंगे कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ हाई या लो आता है, तो हमारा ब्रेथ चेंज हो जाता है। हम बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि मुझे गुस्सा कब आ गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मैं कब बह गया। तो वो पता कैसे पड़े, चाहे मेरे बिजनेस में कोई हाई एंड लो हो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ हाई एंड लो हो, इवेंचुअली जैसे ही वो मेरे पास आएगा, मेरा ब्रेथ ऊपर नीचे होगा और उसके बाद मैं उस पर रिएक्ट करूँगा। तो जब ये ब्रेथ ऊपर नीचे हो रहा है, उसी लेवल पे अगर आपने उसको विटनेस कर लिया, तो उसको विटनेस करने से उसका इंटेंसिटी या जिस इंटेंसिटी से आप रिस्पॉन्ड करेंगे वो कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये बेसिक नॉलेज भी किसी को आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो जाना पर्पस ड्रिवन हो जाता है। पर्पस ड्रिवन मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप एक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ऐसे भी नहीं कर सकते, कर्म आपके हाथ में, फल आपके हाथ में नहीं है, बट आप रिएक्शन हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। इन माई अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग योर रिस्पॉन्स और रिएक्शन इज वॉट मेक पीपल पर्पस ड्रिवन। और ये जो पर्पस है, ये एक चलती हुई गाड़ी के पांचवे पहिए की तरह है। गाड़ी के चार पहिए हमें सभी पता है, एक पहिया जिसको हम पर्सनल व्हील बोलते हैं, जो हमारा व्यक्तिगत पार्ट है, जिसमें हमारा हेल्थ, माइंड, बॉडी, ये सब कुछ आता है। दूसरा है जिसको हम अपना प्रोफेशनल व्हील बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा प्रोफेशन, ब्रेड बटर, जिस चीज़ से हमें कुछ मॉनिटरी इनकम होगी, जिससे हमारी गाड़ी चलेगी, वो आता है, स्किल्स भी आती है। तीसरा जो व्हील है, उसको हम लोग बोलते हैं हमारा पीपल व्हील, समाज, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपके पीपल व्हील में आता है, सामाजिक व्हील है आपका। जो चौथा व्हील है, जिसको मैं पैशन व्हील बोलता हूँ, थिंग्स विच इनेबल अस टू डू समथिंग विच आर नीदर पर्सनल नॉर प्रोफेशनल, ऑल्सो नॉट अबाउट पीपल, इट इज़ अबाउट यू, इट इज़ अबाउट योर हॉबी, इट इज़ अबाउट योर पैशन, बट थिंग्स विच यू डू फॉर योर सेल्फ। और ये कैटलिस्ट की तरह आपकी गाड़ी को चलाने में हेल्प करता है। बट इन चारों चीज़ों को, गाड़ी के अंदर ये चारों व्हील भी अलाइंट है, तो गाड़ी आगे पीछे हो सकती है,
लेकिन जो लाइफ का डायरेक्शन है वो स्टेयरिंग व्हील बताता है। ओके तो जो स्टेयरिंग व्हील है जिसको हम पांचवा पहिया बोलते हैं वो है पर्पस व्हील। तो ये जो 5P है अगर इन 5P को हम लोग समझ पाए तो वो पर्पस व्हील से आपके बाकी चारों व्हील भी बैलेंस हो सकते हैं। ओके थोड़ा सा मे बी मेरी मानसिक क्षमताओं से थोड़ा सा ज़्यादा था, बट हाँ होपफुली मे बी विल गेट देयर समडे। बट अगर आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हैं और जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस आइडियोलॉजी को एक बार के लिए रन थ्रू करके देखिएगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। ओके आइडेंटिफाइंग द 5 P's एंड एट द सेम टाइम यूजिंग योर ब्रेथ टू कीप योर कार्ट पर्पस फोकस्ड डायरेक्शन फोकस्ड। ओके मुझे लगता है कुछ मेंटरिंग चाहिए मुझे इसके लिए आपसे बात करेंगे उस पर, बिकॉज विपसना से मेरे मतलब मेरा जो क्या बोलूँ जितनी मुझे जानकारी है वो जब भी केजरीवाल जी जाते हैं विपसना से तो अखबार में आता तो मुझे पता है यार कुछ तो है एक कोर्स ऐसा जो होता है यहाँ पे केजरीवाल जी कर रहे हैं तो कुछ तो मुझे अच्छा ही होता होगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री कर सकता है तो मैं भी कर रहा था, कुछ तो आपका ही होगा। सो दैट इज ऑल दैट आई नो अबाउट विपसना ऑनेस्टली। केजरीवाल जी को और भी उन बड़े लोगों को धन्यवाद कि उन्होंने विपसना को ग्लैमराइज किया। ब्लेम इट ऑन माय इग्नोरेंस बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि विपसना एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको एक देखिए कि आज के टाइम के अंदर जो मेडिटेशन माइंडफुलनेस है उसको बिजनेस बनाया गया है, तरीके से बिजनेस बनाया गया है और बिजनेस एक बिजनेस के तरीके से रन होता है, लेकिन उस बिजनेस से प्योरिटी खत्म हो जाती है। विपसना आज भी शायद एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको अनअडल्ट्रेटेड तरीके से रन किया जाता है। ओके इसमें कहीं कोई पैसा है ही नहीं, ना तो कोई एडवर्टाइजिंग है, ना कोई वहाँ पे आपको 5-star होटल की तरह खाने पीने रहने का पैसा देना है। इट्स अ 100% वॉलंटरी ड्रिवन इनिशिएटिव। ओके यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स वॉलंटरी ड्रिवन, बट द वे इट रन्स इज यू पेड फॉरवर्ड। आप अगर वहाँ जाएंगे और अगर आप कुछ वहाँ पे डोनेशन देंगे कोई मांगेगा भी नहीं आपसे, आपको अंदर से आता है कि इस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिला और लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, और आप अगर वॉलंटरी लेवल पे डोनेट करते हैं तो उससे ही वो रन होगा, क्योंकि आपका भी रहना खाना सबका खर्चा किसी और ने पे किया इसीलिए तो रन हो रहा है। तो वो भाव अंदर से ही जग जाता है कि मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जो किसी ने बिना निस्वार्थ भाव के लिए मेरे लिए किया है उसको मैं पेड फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ट्रू, इसमें बात करेंगे अवश्य, मतलब मे बी ऑफ द रिकॉर्ड भी करेंगे बिकॉज मुझे लगता है आपकी मेंटरशिप चाहिएगी उसमें, मतलब आई एम श्योर कि इट विल हेल्प मी सॉर्ट ऑफ डील विद माय मेंटल, एग्जैक्टली वर्ड नहीं है मेरे पास क्या बोलूंगा उसको, बट हाँ मतलब फाइंड मोर क्लैरिटी, फाइंड मोर क्लैरिटी एंड बी मोर इक्वानिमस। बहुत प्यारा वर्ड है, मेरा फेवरेट वर्ड है इक्वानिमस। मतलब मैंने 2010-11 में CV बनाया था, समहाउ आपको उस टाइम ना एक वो जज्बा सा होता है कि अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख दो सबको लगना चाहिए, हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो हमारे अंदर एक एडिशनल अर्ज होती है लोगों को इम्प्रेस करने की, देखो हमको इंग्लिश आती है, तो मैंने उसमें डाल दिया एक वैनिमस पर्सनैलिटी कहीं तो गूगल पे देखा था। अब समहाउ बिकॉज वो CV 15 साल से अपडेट हो रहा है बट दैट वर्ड इज देयर, और 15 साल से और मेरे को 2-3 बार इनफैक्ट CV में मतलब इंटरव्यू में एक्चुअल में लोगों ने एक उस पॉइंट वर्ड पे सवाल हो गया है या मतलब डिस्कशन में आ गया है वो कि मतलब समझ ना कि एक्सप्लेन कि कैसे हो आप इक्वानिमस या मतलब टेल अस अ सिचुएशन जहां पे आपने इस तरीके से बिहेव किया हो व्हिच टेल्स अस दैट यू आर इन इक्वानिमस पर्सनालिटी, तो वो मेरा फेवरेट वर्ड है, दैट डेफिनेटली हेल्प्स। तो शार्क टैंक का जो एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, बोथ आपका एक्सपीरियंस एंड देन बिजनेस पे क्या एक्सपीरियंस, मतलब बिजनेस पे क्या असर पड़ा उसका, देयर वॉज अनदर गेस्ट ना यू प्रोबेबली नो हिम, अपनी बात हुई है तो आपने बताया था फ्रॉम बरोसी, सो ही टोल्ड मी कि मतलब उन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी, सब कुछ कर रखा था, बट द डे लाइक द एपिसोड वेंट लाइव वेबसाइट वगैरह सब क्रैश हो गई, सारी तैयारियाँ वगैरह धरी रह गई डिस्पाइट ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन, तो मतलब प्लेजेंटली धरी रह गई तैयारियाँ सारी की सारी, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? मुझे लगता है कि शार्क टैंक, नेशनल टेलीविज़न, ये वो चीज़ें हैं जिनको सब लोग एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ही लेना चाहते हैं, बिकॉज People treat it like a lifetime opportunity. काफ़ी लोग हैं जिन्होंने एक पूरा एनालिसिस करके दिया है कि शार्क टैंक पे आने का मतलब है कि आपको वर्थ 10 करोड़ का PR या वर्थ 10 करोड़ का विजिबिलिटी मिली, एक प्रॉपर ब्रेकअप बना के लोगों ने शेयर किया है।
आप अगर ये पूछें कि शार्क टैंक में आने से मेरे बिजनेस में मेरे को क्या फ़र्क मिला है, तो नो डाउट कि इंडिया के अंदर ये माइंडसेट ही है कि कहते हैं ना वो राम से बड़ा राम का नाम है. हाँ एग्जैक्टली. हाँ तो ऐसा ही होता है. इंडिगिफ्ट्स क्या बनाता है और हम क्या बेचते हैं उससे बड़ा इंडिगिफ्ट्स का नाम है, क्योंकि अब वो शार्क टैंक पे आ चुका है. एग्जैक्टली. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तो उससे आपको अवेयरनेस मिल रही है. लेकिन एक फनल काम करती है. ये फनल ये कहती है अवेयरनेस, इंगेजमेंट एंड कन्वर्जन. तो अवेयरनेस लेवल के ऊपर बहुत चीज़ें हो गई, लेकिन क्या वो इंगेज हो पाए, और उस इंगेजमेंट के लिए क्या आपके मार्केट प्लेस, आपका रिटेल, आपका खुद का ई कॉमर्स वो सब तैयार था. और वो आए, वो आके एंगेज भी हो गए, बट एंगेज होने के बाद में कन्वर्ट कितने हो पाए. क्या जो एक दिन का आपको हाइक मिलता है, मान लीजिए कि लोग बोलते हैं कि हमारा ट्रैफिक 100x बढ़ गया, हमारे साथ भी, बट वो 100x कंसिस्टेंसी के साथ में कितने दिन रह पाए. एग्जैक्टली. तो फॉर मी डेफिनेटली शार्क टैंक ने हमारे को विजिबिलिटी दी, लेकिन मेरा पहले भी फोकस नहीं था और अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है कि मैं केवल डिजिटल बिजनेस बनाना चाहता हूँ. ओके. इंडिगिफ्ट्स का एक गिफ्टिंग एक्सपीरियंस जो है वो केवल अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या हमारी वेबसाइट से नहीं बन सकता है. वो तब बन सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए आपको कम्फर्ट अपना ब्रेक करना पड़ता है. हमारे लिए अगर हम अपने आप को एक डिजिटल फर्स्ट ओमनी चैनल बिजनेस की तरह आने वाले 3 साल में ग्रो करना चाहते हैं, तो उस 3 साल की जर्नी के अंदर हमारा मेजॉरिटी ऑफ फोकस है अपने आप को रिटेल या ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर एक्सपैंड करना है. मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोडक्ट मॉडर्न ट्रेड, क्या मैं मॉडर्न ट्रेड नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड के एक बीच का स्पेस बोल रहा हूं, जिसके अंदर हम कस्टमर्स के साथ बात भी कर पाए. जनरल ट्रेड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यू कैन नॉट रीटच द कस्टमर. एग्जैक्टली. और मॉडर्न ट्रेड के अंदर भी, मॉडर्न ट्रेड जनरल ट्रेड का एक अपग्रेडेड वर्जन है, बट डायरेक्ट टू कस्टमर की जब हम बात करते हैं, डी टू सी की जब हम बात करते हैं, तो सब लोग अभी डी टू सी को मतलब खुद की वेबसाइट से जो सामान बेच रहे हैं या डिजिटली सामान बेच रहे हैं उसको मान लेते हैं, जबकि डायरेक्ट टू कंज्यूमर के लिए मल्टीपल लेवल पे और मॉडल्स क्रिएट किए जा सकते हैं. जैसे एग्जीबिशंस. मतलब मैं तो, मतलब माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जहाँ पे आपका डायरेक्ट टच पॉइंट है कस्टमर के साथ, मतलब यू कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली, और वो आपका कस्टमर जो है वो डायरेक्ट नहीं कि वो केवल कस्टमर वाली एक एंड यूजर इंडिविजुअल ही है, वो कस्टमर एक बिजनेस भी हो सकता है, कॉरपोरेट भी हो सकता है. तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट टू कस्टमर और कंज्यूमर डी टू सी की हम बात करते हैं, तो डी टू सी को अभी हमें और समझना बाकी है. तो एसेंशियली आप जो आपका कस्टमर आप कह रहे हो बिजनेस भी हो सकता है, विच इज़ ट्रू, विच इज काइंड ऑफ बी टू बी बिजनेस, बट आरेंट ऑल बी टू बी बिजनेसेस बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट. मतलब मैं वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर दे आर लाइक मीडिएटर्स इन दैट ऑल्सो. जनरली बी टू बी में तो डायरेक्ट ही होता है ना. दो लेवल पे समझना चाहिए अपन को इसको. अगर हम बी टू बी की भी बात करते हैं तो बी टू बी के लेवल्स हैं कि अगर वो बी टू बी हो रहा है उसके बाद में एंड कंज्यूमर कौन है. एक बिजनेस, अगर मैंने बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन किया, यानी मान लीजिए कि मैं इंडिगिफ्ट्स हूँ, मैंने रिलायंस को अपने प्रोडक्ट्स बेचे और फिर रिलायंस ने कस्टमर को बेचे. ओके. एक हो गया रिलायंस का रिटेल चैनल थी ना. हाँ मैं चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें आपको और दूसरा बता रहा हूँ. एक है टूवर्ड्स चैनल, एक है टूवर्ड्स कॉरपोरेट, और इन कॉरपोरेट के लेवल पे जो उनके स्टेक होल्डर्स, यानी मैंने रिलायंस को एज अ कंपनी बिल किया, बट वो रीसेल के लिए नहीं था, वो उनके कंजम्पशन के लिए था, कि वो एम्प्लॉयज के लिए था या फिर उनके पार्टनर्स के लिए था या फिर वो जिसको भी आगे और अपनी ब्रांड अवेयरनेस की तरफ जो देना चाहते हैं उस तरफ था. तो हमारे लिए दोनों चीज़ें मैटर करती है. तो गिविंग अ क्रक्स ऑफ दिस होल व्हाट शार्क टैंक इम्पैक्टेड ओवर आवर बिजनेस, तो वी वर रियली फोकस्ड दैट वी डोंट जस्ट वॉन्ट टू ग्रो आर मार्केट शेयर ऑन मार्केट प्लेसेस, वी वॉन्टेड टू फोकस मोर ऑन एक्सपैंडिंग आर मार्केट शेयर वेर वी कैन ऑल्सो टॉक और कन्वे टू डायरेक्ट कस्टमर्स. वो हम डायरेक्टली खुद करें या फिर स्ट्रैटेजिक लेवल के ऊपर कॉरपोरेट्स के अंदर अपने आप को पोजिशन करवा के करें, और या फिर हम किसी और ब्रांड्स के पास में जाएँ जो ऑलरेडी गिफ्ट हैम्पर्स बनाते हैं और वहाँ पर हम इंडिगिफ्ट्स का एक प्रोडक्ट साथ में ऐड करवा दें उनके साथ में. तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, जिनसे हमारा ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड इंगेजमेंट
एंड देन ब्रांड के अंदर कन्वर्जन भी आ जाए। तो ये फनल हमारे दिमाग में क्लियर थी, इस वजह से जो लेवरेज हमें मिला है वो लेवरेज केवल हमारी वेबसाइट के ऊपर एक्स वाई जेड एक्स जंप नहीं है, ये है हमारे लिए कि हम कितने सारे और राइट पार्टनर्स के साथ में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए काम कर पाए। मतलब हम रिलायंस, डी मार्ट, क्रॉसवर्ड, ब्लिंकिट, मतलब ये जो सारे के सारे स्पेसेस हैं, ये सारे स्पेसेस आफ्टर शार्क टैंक हमारे लिए बिल्ड हुए हैं, और ये हमारे को आज के आज रिजल्ट नहीं देंगे, दे विल मल्टीप्लाई आवर बिजनेस इन नेक्स्ट टू ईयर्स। आपने बात की मार्केट प्लेसेस की, मतलब आई बिलीव इनिशियली आपका बिजनेस भी मार्केट प्लेस से भी था, और समहाउ मार्केट प्लेसेस पे, मतलब जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी थोड़ा बहुत किया है मार्केट प्लेसेस पे चीज़ें बेचने की कोशिश की है, मतलब वॉल्यूम तो बन जाता है, प्रॉफिट नहीं बनते। सो ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा आपका मार्केट प्लेसेस का, और मतलब हाउ डू यू सी इट? देखिए, बिजनेस को थोड़ा सा डीप में समझने के लिए केस स्टडीज होनी ज़रूरी हैं, और केस स्टडीज के साथ में भी टाइम बिकम अ वेरी बिग फैक्टर नाउ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ जिस टाइम पे हुई थी वो चीज़ सेम आज भी रिलेवेंट और वैलिड है, क्योंकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ रही हैं और उनके हिसाब से बिजनेसेस के मॉडल्स भी बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे, एक टाइम ऐसा था जब अमेज़ॉन के ऊपर, राखी के ऊपर हम लोगों ने लगभग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 8 से 10 हज़ार ऑर्डर्स हम लोगों ने एक दिन में प्रोसेस किए थे। जस्ट थिंक अबाउट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नंबर विच इज स्टिल हार्ड टू इमेजिन फॉर एनी एस्टेब्लिश ब्रांड, बिकॉज हम राइट टाइम पे राइट इन्वेंट्री के साथ में राइट वेयरहाउसेस के अंदर राइट प्राइस के ऊपर राइट मीडियम के वाया अपने कस्टमर्स के लिए अवेलेबल थे। इट वर्क्ड। और आज अगर हम लोग देखें तो शायद इस राखी के ऊपर, वो 2021-20 का दौर था, आज अगर हम 24 की दौर की बात करते हैं तो अमेज़ॉन पे हमने अपना मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 1/10 कर लिया है। इसके दोनों रीज़न हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई मार्केट प्लेस पे पैसा नहीं बनता, एक हद तक ये बात ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस जगह पे किस प्राइस में, ये जो पूरा 4P सॉर्ट करने वाली बात है ना, ये 4P सॉर्ट करने पड़ेंगे आपको, उसके बेसिस के ऊपर ही रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं। आज अगर मेरे को 1 लाख यूनिट सेल करनी है तो 1 लाख यूनिट मैं अमेज़ॉन के वेयरहाउस में नहीं डालूंगा, मैं अमेज़ॉन को हो सकता है 15% दूंगा, मैं 10% फ्लिपकार्ट को दूंगा, हो सकता है लगभग 10% मैं बाकी मार्केट प्लेसेस को दे दूंगा, मिंत्रा, मीशो को, लगभग 40% मैं क्विक कॉमर्स को दूंगा, और लगभग 30% मैं B2B में ही दे दूंगा कि कोई मेरे से ऑलरेडी मेरा ब्रांडेड प्रोडक्ट ले ले अपने हैम्पर्स में और उनमें ऐड करके वो रीसेल कर ले। इस बार क्विक कॉमर्स के ऊपर अगर हम नंबर्स देखें, लगभग 600-700 ऑर्डर एक मिनट के अंदर प्रोसेस किए गए हैं। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ स्केल वी आर टॉकिंग अबाउट एंड द काइंड ऑफ एपेटाइट एंड माइंडसेट विच पीपल आर बिल्डिंग। अमेजोन से ऑर्डर किया 4 दिन में आएगा, ब्लिंकिट से ऑर्डर किया 20 मिनट में डिलीवर होगा, पीपल विल ऑलवेज गो फॉर ब्लिंकिट। तो दौर बदल रहा है, ई कॉमर्स का जो दौर था उसके बाद में क्विक कॉमर्स का दौर आया है, अब क्विक कॉमर्स के बाद में ONDC के सपोर्ट से एक नया दौर और आएगा जिसको हम लोग डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस का ओमनी चैनल मॉडल। हाउ डू यू सी ONDC? बिकॉज बातें तो काफ़ी टाइम से चल रही हैं, आई एम श्योर टेक्नोलॉजी स्टैक भी बन रहा है, गवर्नमेंट इज पुशिंग, बट समहाउ प्रैक्टिकली भी ग्राउंड पे उतना नहीं हो पाया। बट आई पर्सनली सी कि जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं, इफ़ दे आर बींग एबल टू डिलीवर दैट ऑन ग्राउंड, तो मतलब इट जस्ट चेंज द गेम, बिकॉज देन एनीबडी कैन सेल ऑलमोस्ट, लाइक एनी छोटे से छोटा शॉप वाला भी यू कैन जस्ट लाइक कम ऑनलाइन एंड सेल, बिकॉज पूरा जो स्टैक आपका टेक्नोलॉजी, पेमेंट गेटवे, लॉजिस्टिक्स, सबके वेंडर्स हैं वहाँ पे, मतलब 4 लेवल पे डिवाइडेड है ONDC। एक पार्ट आपका पेमेंट है, एक आपका लॉजिस्टिक है, एक आपका सप्लायर है, एक आपका रिसीवर है। ये 4 पार्ट में ONDC डिवाइडेड है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ONDC की ज़रूरत वास्तव में है या नहीं है। तो ONDC की ज़रूरत गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से इसलिए बड़ी क्योंकि मार्केट प्लेसेस की मोनोपोली हो गई और वो मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए उसको डिसेंट्रलाइज करना ज़रूरी था, राइट? जैसे UPI डिसेंट्रलाइज किया गया, गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क बना के दिया, गाइडलाइन बना के दिया, उसके बेसिस पे पीपल क्रिएटेड देयर ओन प्रोडक्ट और सर्विसेज। सेम गोज विथ ONDC। जैसे आज हम आधार की भी बात करते हैं, आधार वेरिफिकेशन, आप देखिए सारी फाइनेंशियल सर्विसेज में आधार कंप्लाइंसेज में आधार मैंडेटरी हो गया, दैट बिकम अ सिंगल फ्रेमवर्क विच एवरीबडी फॉलो। उसी तरीके से ONDC एक फ्रेमवर्क है
उस फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाना जरूरी है, और उसके लिए काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी एडवांस लेवल पे प्रोडक्ट्स बिल्ड करने की ज़रूरत है, सर्विसेज को ठीक करने की ज़रूरत है। बट ONDC विल चेंज थिंग्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आज अमेज़ॉन को हम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह लेते हैं, तो इंडिया में अमेज़ॉन 2010 में आया था, उससे पहले भी तो अमेज़ॉन एक पूरी पूरी लेगेसी लेके आया था। ऑफ कोर्स, हां, मतलब तो उनके पास में बिलियंस ऑफ फंड्स हैं टेक्नोलॉजी में, R&D में, डेटा में, कस्टमर साइकी को समझने में इन्वेस्ट करने में, लॉजिस्टिक में इन्वेस्ट करने के लिए। दे क्रिएटेड एन एंटायर इकोसिस्टम, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, चाहे उनके अपने ही ब्रांड्स हैं जिनको उन्होंने लॉन्च किया। जब पहले क्लाउड टेल आया था, और क्लाउड टेल के बाद में आप देखिए कि उन्होंने अपने 15 ब्रांड्स, जो ओपनली वो बोलते नहीं है, लेकिन उनकी अपनी 15 कंपनीज है जिनमें उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट है, और दे बिकम द अल्फा सेलर्स। बोलते नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट हैज लाइक दे आर वॉचिंग, सो तो गवर्नमेंट भी देख रही है ना। आज के अमेज़न के लिए ब्लिंकिट थ्रेट नहीं है अब तो, मतलब मे बी इनिशियली उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा, बट अब तो दे कंसीडर इट कि हां, फ्लिपकार्ट को भी फ्लिपकार्ट मिनट्स को क्यों लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि दे रियलाइज दे फेल्ड टू फोरकास्ट एंड फोरसी समथिंग व्हिच बिकम नेसेसिटी ऑफ द पीपल। अ लॉट ऑफ पीपल डू डिड दैट, इंक्लूडिंग मी। जब ये कॉन्सेप्ट आया था, लाइक क्या स्टुपिडिटी है, मतलब क्यों ही चाहिए 20 मिनट में क्वेश्चन अभी, मतलब देखिए क्या साइकी चेंज हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है, जब मैंने मान ही ये लिया कि मैं 10 मिनट में इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं 10 दिन नहीं दूंगा। समवेयर सही बात है, बिकॉज इफ देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल, एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ जाती हैं। जब तक ऑप्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इसके रिप्रिकॉशंस भी हैं, और समबडी ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट द डार्क साइड ऑफ दिस होल मॉडल विच इज ऑल्सो देयर, विच इज ये जो पूरा मॉडल है कस्टमर फ्रेंडली मॉडल है। ई कॉमर्स जो बिजनेस मॉडल था वो भी कस्टमर फ्रेंडली मॉडल था। कैश ऑन डिलीवरी की अगर हम बात करें ई कॉमर्स के अंदर, कैश ऑन डिलीवरी से नेट इन नेट ब्रांड्स को 15-18% का रेवेन्यू लॉस होता है RTOs और कैश ऑन डिलीवरी से। RTO से होता है, मतलब फॉर श्योर होता है। RTOs बेसिकली कैश ऑन डिलीवरी के अंदर ही ज़्यादा होते हैं, तो लगभग 15% का नेट रेवेन्यू लॉस बिजनेसिस को केवल इस फीचर की वजह से हो रहा है, जिसको मार्केट प्लेसेस ने लॉन्च कर दिया, बिकॉज दे जस्ट फेल्ट कि कस्टमर्स को इस चीज़ की ज़रूरत होगी। इससे बिजनेस बढ़ा, लेकिन लोगों की आदतें ख़राब हो गई। 5 जगह से ऑर्डर कर दो कैश ऑन डिलीवरी में, जहाँ से पहले आएगा वहाँ से ले लो, बाकी 3 जगह छोड़ दो। बट क्विक कॉमर्स ने उस चीज़ को सॉल्व किया है। लेकिन क्विक कॉमर्स ने एक जो बड़ी चैलेंज को क्रिएट किया है ब्रांड्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, वो है इन्वेंट्री। आज अगर क्विक कॉमर्स पे कोई भी ब्रांड आना चाहता है, उनको मिनिमम ऑफ मिनिमम मेरे हिसाब से 3-5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कमिट करना पड़ेगा, तभी मार्केट प्लेस ये ब्लिंकिट या फिर क्विक कॉमर्स प्लेसेस भी आपको एंटरटेन करेंगे। सिंपल मैथ निकाल लीजिए, एक ब्रांड ट्रू है, उसके 10 SKU हैं, 10 SKU में से एक SKU की 25 यूनिट भी अगर मैं निकालता हूँ, 250 यूनिट हो गई। बिकॉज यू हैव टू बी प्रेजेंट एट एवरी सिंगल डार्क स्टोर। 250 मल्टीप्लाई बाय एक सिटी के 20 डार्क स्टोर, मल्टीप्लाई बाय 20 सिटी, मल्टीप्लाई बाय 200-300 रुपए का आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट। सेंट्रलाइज वेयरहाउस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ना, जो अगर मैं यहाँ से मालवीय नगर से सामान आ रहा है, तो मालवीय नगर के उसमें उस टाइम वो पीस फिजिकली मौजूद होना चाहिए। तो ये सारा SOR मॉडल पे सेल और रिटर्न, तो 3-5 करोड़ का वर्किंग कैपिटल का रोटेशन चाहिए अगर exactly. कोई भी जना क्विक कॉमर्स में एक प्लेटफॉर्म पे भी बिजनेस करना चाहता है, बिकॉज़ अगर नहीं, मतलब दे आर नॉट पेइंग द सेलर अपफ्रंट, बिकेगा तो ठीक है, नहीं तो माल वापस आ जाएगा, वो मार्केट प्लेस है, दे आर नॉट ब्रांड्स। सर ये बताओ आप कि इंडियन मार्केट में, स्पेशली आप गिफ्ट में हो ना, गिफ्टिंग इज योर बिजनेस, मैं पर्सनली जो समझता हूँ, मतलब दो तरह की, मैं जनरली गिफ्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, मतलब एक जेनरिक है विच इज़ लाइक यूटिलिटी बेस्ड, मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया, खा लो, पानी खत्म, समझ रहे हो ना, या मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि टेक्निकली प्रोडक्ट था, नॉट इफेक्टिवली ए गिफ्ट, बट उसको गिफ्ट रैप करके आपने दे दिया, गिफ्ट काम में ले लो, पानी खत्म। बट एक होता है जिस स्पेस में प्रोबेबली आप करते हो, जहाँ पे यू डील विद ह्यूमन इमोशंस एंड हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ कन्वे इट, और उसके लिए आपने कुछ कस्टमाइज बनाया, वो इज अ प्रॉपर गिफ्टिंग वाली कैटेगरी मुझे लगता है। बाकी तो हर प्रोडक्ट को ही आप गिफ्ट रैप करके बेच दो तो वो गिफ्ट है। तो आपके उसमें जो आपका डिफरेंशिएटर है, से इफ आई लुक एट योर प्रोडक्ट्स, इट इज योर डिजाइन प्राइमरली, बिकॉज प्रोडक्ट में डिफरेंशिएटर नहीं है। मतलब जैसे अगर आपका एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है वो मम्मी दा ढाबा, अब उसमें जो लाइन है मम्मी दा ढाबा, दैट इज द की, बाकी तो तख्ती प्लेट तो कोई भी बना लेगा। ये कुछ सही बात है ना। सो हाउ डू यू लाइक, और ये ई कॉमर्स में स्पेशली मैंने बहुत देखा है, कॉपी बहुत होता है, मतलब ना हम तो शर्ट्स भी बनाते थे, लोग शर्ट्स कॉपी कर लेते थे तो आपका तो डिजाइन है, मतलब वो थॉट है,
हाउ डू यू प्रोटेक्ट इट? बिकॉज लीगली प्रोटेक्ट करना इज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता नहीं उसको एनफोर्स कर सकते आप एक लेवल के आगे जाके, स्पेशली अगर आप इफ यू गो टू जनरल ट्रेड Amazon, Flipkart पे तो एक बार को फिर भी इफ यू हैव कॉपीराइट एंड ऑल देयर इज मैकेनिज्म, जनरल ट्रेड में जाओगे तो लोग तो लेफ्ट राइट सेंटर कॉपी करते हैं, एंड हाउ डू यू लाइक यू नो प्लान टू डील विद इट? देखिए, डिज़ाइन ड्रिवन बिजनेसेस या कोई भी बिजनेस जिसके अंदर हम इनोवेशन को उसके हार्ट में रखते हैं, उसका सबसे वीकर पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिज़ाइन उनका फोर्टे है और डिस्ट्रीब्यूशन उनकी वीकनेस है। अगर कोई भी ब्रांड जो अपनी डिज़ाइन की वाया जाना जाना चाहता है, उनको सबसे पहले अपना डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट करना चाहिए। अगर वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट नहीं कर पाएंगे तो वो इकोनॉमिक स्केल में नहीं जा पाएंगे। देखिए, हर प्रोडक्ट का अपना एक शेल्फ लाइफ होता है, उसका एक अर्ली अडॉप्टर होता है, फिर एक मेच्योर लेवल पे आता है, फिर वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है और फिर आपको नया प्रोडक्ट इनोवेट करना पड़ता है। ये इंडी गिफ्ट्स का बिजनेस मॉडल नहीं है, कोई भी बिजनेस मॉडल है। और अब तो नए नए तरीके के बिजनेस मॉडल आ रहे हैं। पहले कस्टमर का जो रिपीट है वो सेम प्रोडक्ट को कितना बाय कर रहा है उससे डिसाइड होता था, अब कस्टमर का रिपीट सेम प्लेटफॉर्म से वो कितनी बार बाय कर रहा है उससे डिसाइड होता है। और ये प्लेटफॉर्म से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोवाइडिंग ऑप्शंस पे भी चला गया है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर आज हम लोग जूडियो की बात करते हैं, स्निच की बात करते हैं, फास्ट फैशन ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, तो सेम प्रोडक्ट तो आदमी नहीं खरीदेगा के बार बार। तो उनका तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सेम प्रोडक्ट मोस्ट लाइकली आप दोबारा जाओगे तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, ज़ारा ने ये किया था पहले भी। तो जो बिजनेस मॉडल में रिपीट निकालने वाला मैथ है वो चेंज हो गया है, राइट? उसी तरीके से अगर हम अपने ब्रांड की बात करें, तो अगर आप एक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं और वो डिज़ाइन को अगर कोई कॉपी कर रहा है, तो वहाँ पे आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि देर इज़ नॉट मैनी वेज टू प्रोटेक्ट इट। यू कैन मेक कॉपीराइट, यू कैन मेक ट्रेडमार्क्स, बट यू नीड टू डिसाइड कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं। तीन तरीके के लोग हो सकते हैं, एक है कि हम इनोवेट करते हैं, दूसरा है कि हम उसको प्रोड्यूस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तीसरा है कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप अगर तीनों चीज़ें साथ में करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप कभी ग्रो कर पाएंगे, आप एक हॉरिजॉन्टल बिजनेस बन के रह जाएंगे। तो आपको ये कॉल लेना पड़ता है कि आप जाने कैसे जाना चाहते हैं। तो हमने ये किया कि हम लोगों ने अपने डिज़ाइन को सेंटर में रखा और डिज़ाइन के बाद में हमने अपने वीकर पार्ट यानी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना स्टार्ट किया। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को अर्ली मूवर एडवांटेज देता है। हाँ भाई, अगर आज 50% लोग पहले अमेज़ॉन पे आके प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे थे और अगर वो प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे लॉन्च होता है, तो एटलीस्ट डिजिटल इकोनॉमी के अंदर जो 50% अमेज़ॉन पे सर्च कर रहे हैं उनको तो मेरे प्रोडक्ट्स पहले नज़र आ जाएंगे। केवल कॉपी करने से कुछ नहीं हो सकता, या तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कि भाई मैं बस सस्ती कॉपियां बना बना के देता हूँ, तो उनका बिजनेस मॉडल ये, वहाँ पे ना तो कभी ब्रांड बनता है और ना कभी वहाँ पे कोई रिकॉग्निशन बन सकती है। ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं बनती, पर वो सेल तो खा जाते हैं। सेल वो खा जाते हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर आप इकोनॉमी स्केल पे नहीं गए तो फिर आपका प्रॉब्लम है। ओके, प्रोडक्ट बिजनेस में हम लोग प्रोडक्ट बिजनेस सिंपली सेज, कम फास्ट, वाइप फास्ट, इनोवेट फास्ट एंड अगेन कम फास्ट। अगर वो हम नहीं कर रहे तो हम, और गिफ्टिंग तो उसका बेस्ट एग्जांपल है, बट ये गिफ्टिंग तक लिमिटेड नहीं रह गया है। okay. ये कंज्यूमर बिजनेस में चला गया है, एक्सेप्ट कि वो कमोडिटी या फिर नेसेसिटी बेस्ड प्रोडक्ट है कि भैया मैं इसी का आटा और दाल खाता हूँ। फैशन, लाइफस्टाइल, इट इज़ बिकमिंग वेरी चेंजिंग, मतलब लोग नई नई चीज़ें चाहते हैं। हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसको दो तरीके से सॉल्व कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, तो हमने राइट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ में उसको सॉल्व किया, और अब हम लोग अपने डिज़ाइन को भी सॉल्व करने के ऊपर काम कर रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग अ पूल ऑफ पीपल, वी बिकम द इनेबलर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दोज प्रोडक्ट। इवन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी वी आर नाउ फाइंडिंग मोर पार्टनर्स। हमारा काम है कि डब्बा या ब्रांड इंडी गिफ्ट्स का है, उसकी डिज़ाइन के लिए हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चर के लिए हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। रोज आइडियाज लोग सोच ही रहे ना, ऑफ कोर्स हमारा काम है उसको फैसिलिटेट करके कस्टमर तक पहुंचाना। तो इनोवेट फास्ट करना ही रिक्वायर्ड है, और उसको फास्ट करने के लिए सब कुछ आपको अब खुद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्टेड है तो आपको बना के देने के लिए और लोग मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ना, एक पार्ट इज ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मार्केट प्लेसेस है, बट एज वी से ना जैसे आपने, बट यू टू गो टू मॉडर्न ट्रेड ऑल्सो, जनरल ओमनी ट्रेड सब बात करने लग गए। ओमनी ट्रेड का मतलब है कि जहां आपका कस्टमर है वो आपको होना पड़ेगा। कस्टमर को आप वो एक एग्जिट नहीं दे सकते, आपको उसको एक एंड लूप देना पड़ेगा, चाहे वो ऑफलाइन देख रहा है चाहे वो ऑनलाइन देख रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट नजर आना चाहिए।
और उसके लिए आपको उसके दिमाग में रिपीट में डालना पड़ेगा, क्योंकि दिन के अंदर जैसे इंस्टाग्राम की स्टोरीज और इंस्टाग्राम के पोस्ट आपके एक सेकंड में 10 निकल जाते हैं, कस्टमर्स भी आजकल कॉमर्स को वैसे ही परसीव करने लग गया है। जब तक वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसको मल्टीपल जगह नहीं दिखेगा, वो उसकी तरफ लॉयल्टी बिल्डअप नहीं कर पाएगा। लॉयल्टी तो खैर वैसे भी आज की तारीख में मतलब लॉयल्टी टूवर्ड्स ब्रांड इज देयर इफ दे फील दैट यू आर द वन हु कैन सॉल्व देयर एटलीस्ट वन ऑफ द प्रॉब्लम। मेरे को पूरे साल के 365 दिन में गिफ्ट चाहिए होते हैं, और अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो मुझे अहेड ऑफ द टाइम बेसिस ऑन द कैलेंडर, बेसिस ऑन द माइलस्टोन्स और मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, चाहे दिवाली हो, चाहे बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, वो मुझे टाइम पे राइट क्यूरेटेड ऑप्शंस रिकमेंडेशन के तौर पे दे दे, तो कन्वर्जन बहुत फास्ट होगा। और जैसे कि आपके हर D2C ब्रांड का एक गोल होता है कि मैं मार्केट प्लेसेस पे जाऊंगा। मैंने आपका भी कहीं कोई इंटरव्यू देखा था, वहाँ पे आपने कहा कि वो डिस्कवरी के लिए है, एंड देन यू वुड वांट कि कस्टमर्स जो है वहाँ से आप उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाओ। बिल्कुल। सो यू नो क्यूरेटेड ऑप्शंस एंड देन आपकी वेबसाइट पे आए, एक डायरेक्ट लेवल पे एंगेजमेंट हो और वो आपसे खरीदे। एक कस्टमर को मार्केट प्लेस से वेबसाइट पे लाने का क्या गुरु मंत्र है, मतलब कैसे वो क्या जर्नी है और उसको कैसे आप गाइड कर सकते हो? मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ उस चीज़ के लिए। स्केप्टिकल इसलिए हूँ कि मैंने ऐसा पहले भी कहा है अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कि आपकी वेबसाइट पे क्या आप सामने वाले को ऐसा दोगे जो उसको और कहीं नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो आपके पास में आएगा। आज अगर आदमी अमेज़ॉन पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है? वेराइटी, प्राइस, कंपेरिजन, डिलीवरी अश्योरेंस एंड पेमेंट के ऑप्शंस सारे हैं। बिल्कुल। आपकी वेबसाइट पे आप ये सब डाल भी दोगे तो भी आप एक नए एरिया में रह ही जाओगे। तो अपनी वेबसाइट पे मेरे को लगता है कि आपको सर्विस कंपोनेंट इंटीग्रेट करना चाहिए। गिफ्टिंग का एक रेंज है या प्रोडक्ट का एक रेंज है up to 500, वो मार्केट प्लेसेस पे सेल किए जाने चाहिए। बट 500 से 2000 रुपए के बीच के प्रोडक्ट जहाँ पे कुछ क्यूरेट किया जा सके, जहाँ पे कुछ कस्टमाइज किया जा सके, जहाँ पे कुछ पर्सनलाइज किया जा सके, वहाँ पे आपको आपको आपकी वेबसाइट को काम में लेना चाहिए। और बाकी प्रोडक्ट आप डालिए लेकिन उनके एडवर्टाइजिंग पे खर्च मत करिए, क्योंकि under 500 rupees का अगर कोई भी प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे है और उस पर आप एडवर्टाइजिंग पे खर्च भी कर रहे हैं तो आप उससे पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। प्रॉफिटेबल नहीं। जब 1000 रुपये की चीज़ बिकती है और उसके ऊपर 200 रुपये का अगर आप एडवर्टाइजिंग यानी 20% एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते हैं तो शायद कुछ पैसा बनेगा। बट 500 रुपये पे भी अगर आपको 200 रुपये ही खर्च करना है और आपका जो कॉस्ट है वो आपका ऑलमोस्ट 50% तक चल जाएगा तो पैसा वैसे ही नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन मैंने शार्क टैंक पे आपकी पिच देखी थी तो आई रियलाइज की जो जेनेसिस था जो बिजनेस का, वो एसेंशियली आपने दिव्या को जो गिफ्ट दिए वहाँ से वो निकल के आया ना। आपको शायद ये रियलाइज हुआ होगा कि मार्केट में नीड भी है एंड देन यू ऑल्सो रियलाइज कि एक इनहेरेंट टैलेंट है मेरे अंदर जो मैं कर सकता हूँ, तो लगता है कि ये पैशन भी है और ये मतलब स्किल सेट भी है और ये मार्केट में गैप भी है, विल बिल्ड अ बिजनेस। नाउ आफ्टर स्टार्टिंग इंडिकेट्स, आपके लिए गिफ्ट देना दिव्या को और बाकी लोगों को आसान हुआ या मुश्किल हुआ? तो देखो लॉजिकली मतलब यू आर फाउंडर ऑफ अ गिफ्ट्स कंपनी तो आपके लिए तो आसानी होना चाहिए, बट देन दिव्या इज योर पार्टनर, वो सुबह से शाम तक उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसे सब सारे प्रोडक्ट्स पता है, सारे डिजाइन पता है, अब वो नॉवेल्टी तो खत्म हो गई ना। तो मैं आपको इसका आंसर करता हूँ और इसका ऑनेस्ट आंसर मैं आपको करूँगा, क्योंकि दिव्या को अगर मौका मिलता कि शी कुड हैव स्पोक अबाउट इट तो वो भी यही बात करती। देखिए शादी को हम लोग 2016 में हमारी शादी हुई है, शादी से पहले हम लोग लगभग 4 साल वीवर हाँ मतलब हम जानते थे एक दूसरे को, शादी करेंगे वाली चीज़ें नहीं होती थी बट वो हम जानते थे एक दूसरे को। तो एक मेच्योर रिलेशनशिप है कि हम 2010 से आज 2024 हो गया है, 12 साल हो गए हम लोगों को साथ में, तो हम लोग एक दूसरे को समझते हैं। जहाँ तक दिव्या की बात है, जब हम कॉलेज में थे तो शी ऑल्सो यूज टू लाइक द पैम्परिंग गिफ्ट्स राइट, एंड रिलेशनशिप्स के अंदर वो दौर भी होता है जहाँ पैम्परिंग गिफ्ट्स पसंद आते हैं लोगों को, कुछ कलेक्टेबल हो गए, पैम्परिंग प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ पर्सनलाइज चीज़ें हो गई। बट जैसे जैसे हम रिलेशनशिप्स में और मेच्योर होते हैं जो एक्सपेक्टेशन बिटवीन कपल है वो इवॉल्व होती है। जो बेसिक गिफ्ट्स हैं वो तो दिए जा ही सकते हैं बट आई थिंक वॉट इवेंचुअली रिक्वायर्स मोर एज अ गिफ्ट इज गिफ्ट ऑफ टाइम। अगर कपल एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते तो वहाँ पे गैप्स आने लग जाते हैं। सब लोग गिफ्ट ऑफ टाइम ही दे देंगे तो फिर आपके प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे? गिफ्ट ऑफ टाइम इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी फिजिकल टेंजेबल गिल्ट फ्री गिफ्ट्स। केक एक गिल्ट फ्री गिफ्ट है,
फ्लावर्स गिल्ट फ्री गिफ्ट है, एफर्ट नहीं लग रहा वहाँ पर. ओके, एक रिलेशन को रन करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है. आपका कोई दोस्त है राइट, एक है कि उसने आपको आपके बर्थडे पे कोई गिफ्ट भेजा रिमोटली, एक है कि वो आपको लेके आया और लेके अपने साथ कहीं लेके गया, आपने कुछ चाय कॉफ़ी पी ली, साथ में खाना खा लिया, उसने आपके साथ 3 घंटे स्पेंड करे, आप क्या प्रेफर करेंगे? सेकंड वन ऑब्वियसली. मैं बस आपको यही कह रहा हूँ, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि अब मैं दिव्या को क्या गिफ्ट देता हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. शिकायतें हैं दिव्या को और होती भी हैं, क्योंकि एक बिल्कुल जो अपन बात करेंगे ना कि कपल्स के लिए एक दूसरे के साथ में टाइम बिसाइड बिजनेस इन्वेस्ट करना, और जब हम तो काम भी साथ में करते हैं, तो अब हो सकता है कॉन्शियसली वी विल टेक सम सॉर्ट ऑफ कॉल्स, बिकॉज दिव्या के भी अपने लाइफ के कुछ और ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे वो कुछ और चीज़ें भी करना चाहती हैं, और हम लोग अब अपनी फाउंडेशन को रजिस्टर करा चुके हैं. पहले वी वर हैविंग अ फाउंडेशन विच वॉज अ सेक्शन विच वॉज अ ट्रस्ट, तो फैमिली ट्रस्ट की तरह हम रन करते थे, बट अभी रिसेंटली हम लोगों ने इंडिबनी फाउंडेशन भी रजिस्टर कराई है एज अ सेक्शन 8 कंपनी, जिसके अंदर हम लोग आर्टिजन्स को एम्पावर करने और साथ में कुछ और नए तरीके की चीज़ों को डेवलप करने पे काम करना चाहते हैं. तो दिस विल ऑल्सो अलाउ दिव्या टू हैव लेस ऑपरेशनल टाइम, एंड शी विल बी एबल टू इन्वेस्ट सम टाइम ऑन हर सेल्फ, एंड वी विल बी एबल टू गिव ईच अदर अ बेटर स्पेस रादर देन जस्ट 100% एंगेज्ड इन बिजनेस. दूसरी बात, अगर हम गिफ्टिंग के अराउंड और भी चीज़ों को समझें, तो मुझे अभी भी ये लगता है कि पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट गिफ्टिंग इज नॉट अ गिल्ट फ्री स्पेस. गिफ्ट नीड टू कम विद कन्विक्शन. गिफ्ट अगर इमोशन को इवोक ही नहीं कर पा रहा तो वो गिफ्ट नहीं है. आपने भी कहा है, एक कोई भी नॉर्मल यूटिलिटी आइटम दे देना और एक गिफ्ट देना, गिफ्ट क्या उसको बना रहा है? आपको अगर कोई एक किताब किसी ने दी है, तो किसी ने किताब एक कन्विक्शन के साथ में दी है और फील करके दिए कि ये किताब से इसको कुछ बेटर फील हो सकता है, तो आपके लिए वो किताब अब एक गिफ्ट हो गई है. कौन जना, किस जने को, किस इंटेंट से क्या प्रोडक्ट दे रहा है, ये 4 चीज़ें मिलके एक गिफ्ट बनता है. हाँ, मतलब हमने एज ए कंज्यूमर का भी उस लेवल पे जाके आप बिकॉज उस डिटेलिंग के साथ आप सोचते नहीं हो, मे बी सबकॉन्शियसली योर थॉट्स आर दैट ओनली. जब आप कहते हो तो लगता है कि हाँ यार बात तो सही है, मतलब यही तो मैं सोच रहा था, बट आप सबकॉन्शियसली सोच रहे थे बिकॉज सिंस इट इज योर बिजनेस. कस्टमर का काम भी नहीं है ये, कस्टमर का काम भी नहीं है, जो कस्टमर को ऑफर कर रहा है, जो उसको कस्टमर मान रहा है, ये उसका काम है. एग्जैक्टली, उसको अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाना, उसको एक फ्रेमवर्क में डाल पाना, वो उसका काम है. एग्जैक्टली, तो अभी इंडिया में आर्चीज के अलावा देयर इज नो अदर बिग गिफ्टिंग ब्रांड जो कि मेरे दिमाग में आता हो. मतलब हमने बचपन में आर्चीज के कार्ड वगैरह और वो सब देखे हैं, अभी तो मुझे नहीं पता वो आर्चीज है या बंद हो गया, आई डोंट नो. सो आपको क्या लगता है, मतलब 140 करोड़ के देश में अभी तक इतना बड़ा ब्रांड कोई क्यों नहीं बन पाया गिफ्टिंग स्पेस में, और लाइक आप अलग क्या कर रहे हो, लाइक हाउ डू यू? अच्छा क्वेश्चन है. खैर मैं मतलब एक तो मैं बहुत ही बेबाक होकर किसी भी जने पे कुछ भी बात करता हूँ, मुझे पता नहीं कि उनके रिप्रिकॉशन क्या होते हैं, बट दिस इज़ हाउ आई टॉक, दिस इज़ हाउ आई स्पीक. आर्चीज एक दौर में ब्रांड था, वो दौर खत्म हो गया है. मैंने पूछा मुझे अभी है बंद हो गया, मुझे पता नहीं. सब यही बोलते हैं, जिससे भी मैं बात करता हूँ सब यही बोलते हैं. जो आज की जनरेशन जेड है, जो 2000 में पॉर्न हुए बच्चे हैं, वो 24 साल के हो गए, उन्होंने आर्चीज का नाम भी नहीं सुना. हम जो 80s किड्स हैं, उन्होंने नाम सुना. Exactly. और मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि उस वक्त इमोशंस को एक्सप्रेस करने का जो सबसे बढ़िया तरीका था वो कार्ड्स होता था. आर्चीज बिकम आर्चीज और आर्चीज बिकम अ गिफ्टिंग ब्रांड जस्ट बिकॉज ऑफ कार्ड्स. फर्न एंड पेटल बिकम अ गिफ्टिंग ब्रांड बिकॉज दे यूज फ्लावर्स एज देयर कोर प्रोडक्ट. हम कार्ड्स, फ्लावर, इसके अलावा और भी क्या मल्टीपल ओकेजन्स हो सकते हैं जहाँ पे आप अपने रिलेशंस की तरफ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, हम उस एरिया को केटर करते हैं. क्या आपने करवा चौथ का कभी कोई प्रोडक्ट देखा है? नहीं, नहीं, नहीं. सीड राखी से पहले आपने कभी राखी का कोई ब्रांड देखा है? नहीं, राखी के नाम पे मैं अलवर से आता हूँ, तो अलवर में एक वो अनिल राखी करके एक ब्रांड है. मतलब वो मतलब ब्रांड नहीं है बट स्केल है उनका, मतलब तो दे प्रोड्यूस अ लॉट. हाँ, तो मैं आपको बस वही कह रहा हूँ कि ब्रांड बनाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. सबसे पहले तो उस नीड को सॉल्व करना लगता है. सीड राखी एक ब्रांड इसीलिए बना क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था. हाँ, कि भी राखी अगले दिन आपकी कचरे में जाएगी. Exactly. तो अगर आपकी राखी में सीड्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कॉटन, आर्टिजन मेड, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, आज आपको राखी क्या लगता है कि चाइना से इम्पोर्ट होके नहीं आती? आती, बहुत आती.
80% मार्केट एक टाइम पे चाइना डोमिनेटेड था। राखी इंडिया का फेस्टिवल बना भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे आर्टिजन्स थे वो राखी बनाते थे। अब उससे आधी कॉस्ट में चाइना से सामान आ रहे हैं और जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इंडिजीनियस चीज की डिमांड ही खत्म हो गई। हमने उसको सॉल्व किया। हर प्रोडक्ट, हर राखी एक आर्टिजन अपने हाथ से बनाता है और हमने उसको प्राइस के पॉइंट के ऊपर नॉट लाइक मशीन मैन्युफैक्चर्ड, कुछ भी मशीन मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, 100% हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक कॉटन से बना है और कलर भी नेचुरली है। ओके, आज अगर आप नेचुरल डाई की बात करें 2000 रुपये किलो तो नेचुरल डाई आती है, जबकि 200 रुपये में आपको सिंथेटिक डाई मिल जाएगी। इसी वजह से कॉस्ट लगता है और हम लोग इसको पूरा फेयर ट्रेड में भी करते हैं। मतलब बिजनेस को अगर हमें इंडिया का गिफ्टिंग ब्रांड बनाना है तो उसमें कुछ तो इंडिया का होगा ना। ऑफ कोर्स इंडिया का एक वैल्यू सिस्टम है, इंडिया का एक इमोशन है, इंडिया गांवों में बसता है, इंडियन इनोवेशन आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर हजारों सालों से होता आ रहा है। उसको जेन जेड के हिसाब से नए प्रोडक्ट के फॉर्म में डालना। सीड राखी के अलावा हमारे और भी काफ़ी कलेक्शंस हैं। हमारा एक कलेक्शन है फोक फ्यूजन कलेक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रेडिशनल आर्ट को मॉडर्न डे यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म किया है। तो फेज़ वन में हमने वर्ली और मांडना आर्ट को लेके काम किया। अभी फेज़ टू के अंदर हम और जो आर्ट है, चाहे वो फड पेंटिंग है जो राजस्थान की है, या फिर हम लोग कुछ बिहार की मधुबनी की बात कर लें, इस तरीके की नई और पेंटिंग्स पिछवाई हो गई राजस्थान की, उनके साथ में हम लोग और मॉडर्न डे यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसमें हम उन आर्ट्स को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर रहे, उनको मॉडर्न डे लाइफस्टाइल के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और आई थिंक इंडिगिफ्ट शायद इंडिया का पहला ब्रांड है जिसके पास में 12 से ज़्यादा लैंग्वेज में प्रोडक्ट्स हैं। लैंग्वेज में एज इन लाइक प्रोडक्ट में लैंग्वेज क्या? मैं वेबसाइट की लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट की लैंग्वेज मतलब वही कह रहा हूँ जो, तो आपके प्रोडक्ट में टेक्स्ट है क्या? क्या नहीं मतलब हमारा प्रोडक्ट, आप देखिए इंडिगिफ्ट्स के सारे प्रोडक्ट में नरेटिव सबसे ज़्यादा आता है। ओके, तो नरेटिव के अंदर हम लोग विजुअल आर्ट को अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ में बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हैं। ओके, तो मम्मी दा ढाबा आपने हमने बनाया, आपने कहा कि भाई लोगों ने कॉपी किया, तो मेरे लिए तो एक ऐसा हैप्पी मोमेंट था कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स, जैसे मैं एक दिन दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस पे था और वहाँ पे मैंने देखा कि मम्मी दा ढाबा का कॉपीज बिक रहा है और उसमें ब्रांड भी हमारा मतलब द पीपल हु कॉपीड दे प्लेस्ड। तो मेरे को तो खुशी हुई कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स की फर्स्ट कॉपीज बिक रही हैं। बट हाँ, तो वैलिडेशन तो है बट हमने ओवर द पीरियड रियलाइज किया कि हमने उसमें क्या नया इनोवेशन लाया। अगर हम अपने आप से कॉम्पीट नहीं करेंगे तो हम वैसे भी कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमने मम्मी दा ढाबा को 12 लैंग्वेज में बना दिया। ओके, दूसरा हमने मम्मी दा ढाबा में एक पूरा कलेक्शन ही लॉन्च कर दिया। पहले मम्मी दा ढाबा केवल एक हैंगिंग साइन था, फिर हमने उसमें कटलरी होल्डर बना दिया, हमने उसमें वॉल क्लॉक्स बना दी, हमने उसमें एप्रन बना दिया, हमने उसमें 5 और नए प्रोडक्ट्स बना दिए। एक चीज़ यूँ बढ़ जाए तो फिर उसको यूँ बढ़ा दो ताकि वो आपके मैक्सिमम पे पहुँच जाए, उसके बाद आप नई चीज़ पे जा सकते हैं। वो संभव वो स्ट्रक्चर स्टेबल भी हो जाता है। मतलब देखिए जो बिजनेस इतने डीप टाइम से हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये सब चीज़ों को तरीके से एक स्टार्टअप माइंडसेट एक बिजनेस माइंडसेट के साथ में हम बनाते हैं, तो हमारे को समझ आता है। एक हमने तो पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। मम्मी दा ढाबा, सीड राखी, डिस्कवरिंग इंडिया, फोक फ्यूजन, ऐसे कुछ कलेक्शंस है जो काफ़ी फेमस हो गए, बट उसके अलावा देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच पीपल कैन फील रेजोनेटिंग विद, बिकॉज हर प्रोडक्ट एक स्टोरी को कन्वे करने के लिए बनाया है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी इंडिगिफ्ट्स की जर्नी रही है वो काफ़ी हद तक मेरी रिलेशनशिप्स की जर्नी से ही इंस्पायर हुई है। ओके, दिव्या को गिफ्ट देने से पहले मैंने मॉम के लिए मम्मी दा ढाबा बना दिया था। ओके, मम्मी दा ढाबा तो 2012 में ही बना दिया था मैंने। ओके, 2016 में मैं और दिव्या साथ में थे, तो उस कोर्टशिप वाले पीरियड में भी मैंने उसको वैलेंटाइन डे पे काफ़ी गिफ्ट्स दिए। उसके अलावा फिर राखी वाला टाइम आया तो सीड राखी मैंने अपने सिस्टर के लिए बनाया। फिर दोस्त थे मेरे, तो दोस्तोलॉजी करके भी हमारा एक बहुत प्यारा कलेक्शन है जिसमें 20 पर्सनैलिटीज़ हैं, जुगाड़ू, कमीना, भुक्कड़, इस तरीके की 20 पर्सनैलिटी बेस्ड कैरेक्टर्स हैं। तो ये भी इसलिए बने क्योंकि मेरे दोस्त उस तरीके से थे। फिर इंडी फैमिली का एक पूरा कलेक्शन है जिसमें हमने कलेक्टिबल्स बनाए हैं। इंडी को भी हमने अलग अलग रीजन के हिसाब से, बिहारी इंडी, राजस्थानी इंडी। ओके, वी आर द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट ब्रांड टू डू सो। एक टाइम था जब कॉमन मैन बनाया गया था, कॉमन मैन बनाया था आर के लक्ष्मण ने, जो 1980s में बना था, और उस वक्त भी जो कॉमन मैन था वो 60 साल का एक बुजुर्ग था। सही बात। आज की अगर हम बात करें, डू वी हैव एनी मैस्कॉट ऑफ इंडिया विच रेजोनेट? नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ, मतलब रेजोनेट तो बाद की बात है, आई कांट इवन थिंक ऑफ, रेजोनेशन तो सेकंड लेवल है। तो हमने मतलब लाइक वी क्रिएटेड दिस कैरेक्टर इंडी,
तो इंडी का तो मतलब ही यही है कि इंडी इज समबडी हु रिप्रेजेंट द यूथ ऑफ इंडिया. और ये अलग बात है, फिर ऑब्वियसली आप उसमें सब सेगमेंटेशन करोगे. और हमने मार्केट, हम केवल प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, हम प्रोडक्ट के साथ में उसके प्राइस, उसके पोजीशन और उसके प्रमोशन के ऊपर भी काम करते हैं. तो उसको प्रमोट करने के लिए और एक आम जन में बेटर पोजीशन करने के लिए हमने इंडी फैमिली कॉमिक्स करके एक चीज़ की शुरुआत करी. तो इंडी फैमिली कॉमिक्स में हमने इंडी, उसके पापा मम्मी, उसकी बहन, उसकी वाइफ, उसका डॉग, उसके गुरुजी, ऐसे मैस्कॉट्स बनाए और उनके साथ में हमने कॉमिक्स और एनिमेटेड कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट किया. पेपा पिग की तरह, समथिंग लाइक दैट, यू कैन टेल. आप बोल सकते हैं पापा पिग, मम्मा पिग, सब तो पूरी फैमिली बना. वो पेपा पिग एक जनरेशन के लिए था, आज की जनरेशन के हिसाब से हमें काम करने की जरूरत है और इंडियन बनाने की जरूरत. ऑफ कोर्स मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चाहिए. वो लोग आज इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर इकोनॉमी पे बात करते हैं, हमने समझ लिया कि ये इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में जाने के बजाय हम अपने इन्फ्लुएंसर खुद बनाए ना. तो फॉर अस इंडी एंड इंडी फैमिली इज आर इन्फ्लुएंसिंग और मे बी मैस्कॉट्स विच रेजोनेट विद द न्यू जनरेशन और दिस होल इंडिया, जिसको हम लोग बिल्कुल 2030 या 2070 के अराउंड हम लोग जाते हुए देखते हैं कि आने वाले 30 साल के अंदर जो आज 20 साल का बच्चा है वो कैसे अपने रिलेशनशिप्स के साथ में मैच्योर होगा, उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे. तो एक जने को एक टाइम पे आपने टैप किया जो 20 साल तक रिपीट हो सके. अभी आपने बात की कि यू नो यू गेट होल्ड ऑफ अ कस्टमर जो कि मोस्ट लाइकली 20 साल तक आपके पास. हाँ, अगर इफ यू गेट समबडी एट 20 तो ऑब्वियसली 40 50 तक भी जनरली गिफ्ट आप दोगे. ओकेजंस माइट चेंज, डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे, आप किस तरह का गिफ्ट दे रहे हो, बट गिफ्टिंग तो करेगा ही वो लाइफ लॉन्ग. बट देन एट द सेम टाइम अगेन जो पूरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो कस्टमर साइकी को समझने का है एंड ऑफ द डे, हाउ ही फील्स और हाउ शी फील्स. और उसके लिए उसको मतलब हाउ डज वन क्रैक, बिकॉज एज वन पर्सन यू कैन बी जीनियस, बट अगर आपको इफ यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड यू हैव टू हैव अ प्रोसेस ऑफ लाइक जनरेटिंग आइडियाज एंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में उसको ऑब्जर्व करने का एटलीस्ट. और यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि यार कल तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के डायनेमिक्स ऐसे थे, अभी 3 साल में ये ऐसे हो गए. सो हाउ डू यू पुट अ प्रोसेस टू इट, बिकॉज बिना प्रोसेस के स्केल. आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैं तो फिर अभी फर्स्ट जनरेशन बिजनेस पर्सन ही हूँ. इस क्वेश्चन को अगर मैं एक लेवल अपने आप से ही अगर अपसाइड करूँ तो वो ये है कि हाउ टू क्रिएट द राइट ट्रांजिशन एज वेल, नॉट जस्ट द प्रोसेस बट ऑल्सो द ट्रांजिशन. बिकॉज अगर एक ही जना एक ही चीज़ को एक ही टाइम पे कर रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन कैसे होगा या नई चीज़ें आएंगी कैसे. भाई एक सेट ऑफ बिजनेस है वो लेगेसी ब्रांड्स बन गए, बट वो लेगेसी ब्रांड का भी मार्केट शेयर कम होगा ना, नया तो कुछ लाना ही पड़ेगा उसके अंदर. तो उसका सिंपल माइंडसेट है कि आपको अगर वास्तव में ये लगता है कि अगर आपको रिलेवेंट बने रहना है तो रिलेवेंट बने रहने के लिए ब्रांड्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो लीडरशिप को चेंज करते रहें. ओके. क्योंकि दौर होना चाहिए, बिल्कुल दौर होना चाहिए, दौर के साथ में फ्रेमवर्क और गाइडलाइन भी बननी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डेलीगेशन भी होना चाहिए. क्या डिफरेंस है एक स्टार्टअप में और एक लाला बिजनेस में? एजिलिटी जो है. ओके. माइंडसेट. लाला माइंडसेट. लाला बिजनेस हमेशा ये सोचता है सब कुछ मेरे लिए हो. सॉरी टू से बट मुझे लगता है रिलायंस और अडानीज आर आल्सो लाला बिजनेस, बिकॉज अब तो वो मर्जर और एक्विजिशंस पे काम करने लगे बिकॉज दे बिकम सो बिग. बट क्या वहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन को डेमोक्रेटिकली वो चूज करते हैं? नहीं, बिकॉज एंड ऑफ द डे मतलब इट इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस. तो लाला बिजनेस मैंने कभी ये नहीं कहा खराब है, मैं माइंडसेट की बात बता रहा हूँ. लाला बिजनेस के रिप्रिकॉशंस भी होते हैं ना. धीरूभाई अंबानी ने कुछ किया, उसके बाद में अनिल अंबानी ने या फिर आपका मुकेश अंबानी ने बिजनेस को आगे बढ़ाया, क्या वो सही डिसीजन था? आंसर आप जानते हैं. एक ने उसको 100 से 1000 टाइम कर दिया और एक ने उसको 100 से रन टू द ग्राउंड कर दिया. बिल्कुल ही. तो यहाँ पे बस मेरा ये मानना है कि देखिए या तो हम ये माइंडसेट रखें, जबकि आप टाटा का बिजनेस मॉडल देखिए, मुझे टाटा लाला बिजनेस नहीं लगता. क्योंकि टाटा ने क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर हमेशा लीडरशिप को चूज किया है. हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ बिल्ड योर टीम? क्या देखते हो आप जब व्हेन यू इट कम्स टू बिल्डिंग टीम, क्या देखते हो आप, कोई आता है आपके पास? हाउ डू यू? मैंने किताब पढ़ी थी वाई हाउ व्हाट के ऊपर, स्टार्ट विथ वाई करके एक किताब है, साइमन सिनिक ने लिखी है वो किताब. तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उस किताब को पढ़ने से पहले मेरे को कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती थी. आई वॉज ऑलवेज अ क्यूरियस पर्सन.
एंड द क्यूरियोसिटी इज द ओनली थिंग विच लेड मी डाउन टू न्यू पाथ्स. तो सबसे पहली चीज जो मैं सामने वाले में देखता हूँ वो मैं उसमें उसकी इनक्विजिटिविटी या क्यूरियोसिटी देखता हूँ. देखिए मैं एक क्वेश्चन हमेशा अपने इंटरव्यूज में पूछता हूँ और मैं पहली बार रिवील भी कर देता हूँ कि वो मैं क्या सोच के पूछता हूँ. आई ऑलवेज आस्क पीपल नॉट दिस की वाई आई शुड हायर यू, आई ऑलवेज आस्क पीपल वाई आई शुड नॉट हायर यू. ओके, आपको अगर कोई भी जना अगर किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा वाई आई शुड नॉट हायर यू, तो आप क्या जवाब देंगे? मोस्ट लाइकली तो आप ऑफ गार्ड जाओगे पहली बात तो, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन. मतलब बिकॉज समझ रहे हो ना, इट्स जस्ट नॉट इन द साइकी. मतलब वो किसी भी इंटरव्यू प्रिपरेशन मॉड्यूल का पार्ट ही नहीं है, किसी ने आपको बताया ही नहीं कि कोई ये भी पूछ सकता है. बट देन प्रैक्टिकली हाँ, इट टेल्स यू कि हाउ वेल अवेयर आर यू अबाउट योर ओन सेल्फ, और उस सेल्फ में ऑब्वियसली देर विल बी वीकनेसेस एंड हाउ. तो आप मतलब आप भी अपनी वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे. 99% पीपल टॉक अबाउट देयर वीकनेसेस, सही बात भी है, बट आपको ये सुनना पड़ेगा कि जिसने क्वेश्चन किया है वो आपसे क्या सुनना चाहता है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर वीकनेसेस, ईदर आई एम इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड. मतलब इसके दो आंसर हो सकते हैं और ये दो आंसर ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं. पहला आंसर इसका जो बनता है, जो रिलेटिवली न्यू कमर्स के लिए है, रिलेटिवली लेस एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, वो है बिकॉज आई एम अ फ्रेश कैनवास. बट एट द सेम टाइम बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्री नोशंस, इट इनेबल यू दैट यू कैन नर्चर मी द वे यू वॉन्ट, एंड आई विल बी अ गुड डिसाइपल, आई विल बी अ गुड अप्रेंटिस, आई विल बी अ गुड पर्सन on whom if you are investing your mind, money and time, you will get better return. So it's your choice that whether you want to hire a person who is non-experienced and expect you to invest on him your time, mind, money. So it's your choice that whether you want to hire me or not. Okay. The another answer is, it is relatively for a different set of people who are experienced and who are really good at their job. There you need to talk about your strength, because if I'm a person who been there, done that, and have a track record of solving X, Y, or Z things for people, you should not hire me if you don't want to change that. आप मेरे को hire शायद इसीलिए करेंगे क्योंकि आप उसको solve नहीं कर पा रहे और आप एक expert को चाहते हैं जो आपके लिए वो काम कर दे. But जब भी वो expert आके काम करेगा तो आपको patience रखना पड़ेगा क्योंकि वो question करेगा. वो आप ये चीज इस तरीके से ही होती है कि माइंडसेट को चेंज करेगा और वो मे नॉट गो वेल विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम. तो इसके दो ही आंसर बनते हैं. ओके, बट एट ऑल नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर वीकनेसेस. ओके, रीजन मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क फॉर समबडी, व्हाट वैल्यू यू कैन क्रिएट फॉर देम so that they can create value for you in terms of designation, in terms of monetary remunerations, in terms of skill upgradation. But वो तो तब करेंगे ना जब वो आपके साथ में on page आए. एक चीज जो मुझे आपसे बात करके लगी, मतलब you are actually an equanimous personality in practice. समझ रहे हो, मैं तो वो CV में word ही लिखा है मैंने, तो बाकी मैं हूँ नहीं. मतलब I'm extremes, I'm like you know, आई लूज टेम्पर, आई एम कभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ, कभी मैं सैड भी होता हूँ. मैं वर्ड सी वी में बहुत यूज़ किया है मैंने, पर मैं एक्चुअल में नहीं हूँ. बट आई कुड लाइक सेंस कि यू आर एक्चुअली दैट पर्सनैलिटी, एंड दैट कम्स बिकॉज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ठहराव जिसको ज़िंदगी में कहते हैं ना, वो आता है इंसान की, तभी वो आप इक्वेनिमस हो सकते हो. वो मुझे फील हुआ. तो उसको मतलब कैसे अचीव किया आपने, या आप हमेशा से ऐसे ही थे, और आर देयर लाइक सर्टेन ट्रिक्स? आपने जब ऐसे क्वेश्चन पूछा कि मैं हमेशा से ऐसे ही था तो मुझे हंसी आ गई. मे बी इफ आई जस्ट लुक बैक लाइक माई 10 मतलब 5 ईयर्स की जर्नी में पीछे मैं मुड़ के देखूँ तो इफ आई रियली गो एंड टॉक टू दैट नितिन हु वॉज रैकलेस, हु वॉज अ वेरी एंग्री पर्सन. गुस्सा वगैरह आता था बहुत बहुत बहुत. हम लाइक मेरा जो गोत्र है, वैसे मैं नाम नितिन जैन यूज़ करता हूँ, तो जो मेरा गोत्र है वो सांड है. तो हम लोग भी राजपूत रहे हैं, और जो कहानी है वो तो ये है कि वी वर मोर लाइक द मिलिट्री कमांडर्स इन द आर्मीज ऑफ द किंग्स,
एंड माई फोर फादर्स, नॉट मी, माई फोर फादर्स वर दैट बल्की एंड स्ट्रॉन्ग कि दे वर एंटाइटल्ड टू फाइट विद बुल्स. तो जैसे चौधरी एक उपाधि है, वैसे सांड एक उपाधि है जो मेरे 10 से 12 जनरेशन पहले किसी को दी गई थी, और उसके बाद में धीरे धीरे नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस में वो लेके आए, तो जैनिज्म को उन्होंने धर्म को ग्रहण करा. अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्या खानदान में है हमारे, लाइक देर आर स्टोरीज ऑफ माय ग्रैंड, मेरे ताऊ जी, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, गुस्से की कहानियाँ फेमस है लोकल सिटीज़ में लोगों की. आई थिंक गुस्सा तो मुझे आता है, बट वो होली दिवाली राखी का एक साल में आने वाला एक दिन का गुस्सा है, और वो गुस्से से मेरे को डर लगता है. ओके अब तो शायद 1-1.5 साल से नहीं आया वैसा गुस्सा, बट जब वो गुस्सा आता है तो फिर वो आप सोचिए कि क्या मैग्नीट्यूड का गुस्सा होता होगा. मेरा आदमी जानवर बन जाता है, और उसका सिंपल रीज़न है कि उसको पता ही नहीं है, उसके रिएक्शंस उसको खुद को ही नहीं पता है. गुस्सा इतना चढ़ गया है सर पे कि वो रिएक्ट करने वाले क्वेश्चन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा. तो वॉट मेक मी मोर स्टेबल इज आई हैव सीन थिंग्स, मैनी पीपल सी थिंग्स, आई लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स, आई रियलाइज सम बेसिक फैक्ट्स ऑफ लाइफ. प्रकृति के नियम बहुत सरल हैं, और वो प्रकृति के जो नियम है वो भी धर्म, धर्म को हम लोगों ने क्या बहुत ही रिलीजियस और ऑर्गेनाइज रिलीजन में डाल दिया है, जबकि अगर हम धर्म को समझें तो धर्म एक मौलिक स्वभाव है. आँख का धर्म है जलाना, पानी गीला करता है, जमीन नर्चर करती है. मनुष्य के स्वभाव के अंदर भी उसका एक मौलिक धर्म है कि उसको चाहिए, डिज़ायर उसके मौलिक धर्म में चली जाती है, और वो डिज़ायर ही सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, क्रेविंग्स एंड अवर्शंस, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए. तो ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ अच्छी मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ में लाइफ के अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और मैं अपनी ज़िंदगी में पिटी को कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए. मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में, मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, आई डोंट रियली सीक मोटिवेशन आउटसाइड एनीवेयर. जो हम बोलते हैं कि लोगों को यात्रा करनी चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए, गुरु होने चाहिए लाइफ के अंदर, मैं भी सब में मानता हूँ, लेकिन उनके सबसे ऊपर मैं इंट्रोस्पेक्शन में बिलीव करता हूँ. जो यात्रा आपकी बाहर है, जो यात्रा बाहर आपके क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए है, उससे ज़्यादा वो यात्रा आपके अंदर की तरफ होती है. जब आप एक बार के लिए ज़िंदगी में ना, जब भी कभी आपको ऐसा लगे ना कि बहुत हैवी हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसी वक्त सांस रोक लेना. आप सांस रोक लेना, ओके, आपको सब समझ में आ जाएगा कितना क्षणिक है. 10 सेकंड में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इट्स मी हु मल्टीप्लाइड दिस वेरी थिंग 100 times. एग्जैक्टली. जबकि इतनी बड़ी नहीं है. वो क्षण निकला, वो चीज़ निकली, और सांस रोकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस क्षण को उसी वक्त एक बार लॉक कर देना ज़रूरी है, ताकि वो और मल्टीप्लाई ना हो पाए. और जैसे ही आप सांस रोकोगे, धीरे 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 अपने आप रिड्यूस होने लग जाएगा. थैंक यू वेरी मच नितिन. थैंक यू. दिस सर्टेनली वॉज नॉट, मतलब कहते ना, एक इनिशियल, ऑफकोर्स मैं जनरली अनस्क्रिप्टेड ही रखता हूँ पॉडकास्ट को, और मतलब मैं ऐसा कुछ फ्लो को कंट्रोल नहीं करता हूँ, बट एक ब्रॉड एक्सपेक्टेशन होती है आपके दिमाग में कि किस डायरेक्शन में जाएगा ये, एंड उसमें नहीं गया, एंड मतलब बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट कि उसमें नहीं गया, एंड वी एक्सप्लोर टॉपिक्स जो वर नॉट पार्ट ऑफ द प्लान. ठीक है, और जो सहज हो जाए वो बढ़िया है. एपिसोड को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया एंड इफ़ यू फाउंड इट वैल्यूएबल, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. हम आपके लिए ऐसे ही एपिसोड रेगुलरली लेके आते रहते हैं, एंड ऑल्सो डू प्रेस द बेल आइकन. हमारा छोटा सा चैनल है, आपके जैसा हर नया सब्सक्राइबर हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है. ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड या फैमिली में किसी के लिए काम का हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें. आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे, एंड वी प्रॉमिस वी विल ट्राई आर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट. थैंक यू, और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए आई विश यू गुड लक एंड गॉड स्पीड.